सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्म भट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे एक ज्योतिषी उपाय, सिर्फ पवित्र जल से यानी कि पानी से आप महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये ज्योतिषी उपाय छोटा है लेकिन अचूक इसका प्रभाव होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की धर्मपत्नी देवी लक्ष्मी हर रोज सुबह पृथ्वी का परिभ्रमण करने के निकलती है और जिस जिस घरों में उनको स्वच्छता दिखाई देती है उस घरों में वो सूक्ष्म रूप में निवास करती है। अगर इस अवस्था में आप अपने घर में पवित्र जल का अगर छिड़काव करते हैं तो इस अवस्था में आपको स्वास्थ्य संबंधी और धन संबंधी लाभ होता है। एक उपाय मैं आपको बताता हूं, हर रोज सुबह जो भी आपके घर में सबसे जल्दी उठता है स्त्री हो या पुरुष, स्नानादि से निवृत्त होके वो एक तांबे के लोटे में पवित्र जल को रखे और अपने घर के मुक्त द्वारों पर अगर आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी और धन संबंधी लाभ होता है। ये एक ज्योतिषी के अनुसार कारगर उपाय है। दूसरा एक उपाय माना जाता है कि अगर आपके घर के पास कोई मंदिर हो या तो ना हो या तो फिर आप अपने घर के देवस्थान में हर रोज सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर घर की जो भी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की उनके ऊपर आप पवित्र जल का छिड़काव कर सकते हैं और उनको आचमन के लिए आप जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शुद्ध पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके जो पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं। इससे आपके जो बुरे ग्रह के प्रभाव होते हैं वो भी दूर होते हैं। तीसरा उपाय है वो है पेड़ों की जड़ों में पवित्र जल को अर्पण करना। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर एक ग्रह के अपने अपने वृक्ष होते हैं और उस वृक्ष की जड़ों में जल अर्पण करने से आपके जो अशुभ ग्रह है उसकी शांति होती है और आपके ऊपर ग्रहों का शुभ प्रभाव बना रहता है। जैसे कि मकर और कुंभ राशि है तो उनका जो वृक्ष स्वामी है वो शमी का पेड़ होता है। जैसे मेष और वृश्चिक राशि है उनका जो स्वामी पेड़ होता है वो खेर होता है, खेर का पेड़। मिथुन और कन्या राशि वाले जो लोग हैं उनका स्वामी वृक्ष अपामार्ग का होता है। कर्क राशि वाले का पलाश होता है और जो सिंह राशि है उनके लिए आंख का पेड़ होता है। तो इस तरह से अलग अलग राशियों के अलग अलग पेड़ उनके ग्रहों के अनुसार बताए गए हैं। इसी वृक्ष की समीधाओं से हवन भी किए जाते हैं और उस हवन से उस ग्रह का उस राशि का जो स्वामी होता है उसकी शांति होती है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली के ग्रह जो है उसका बुरा प्रभाव भी आप खत्म कर सकते हैं। फिर एक और उपाय है वो है पीपल के पेड़ में हर रोज सुबह जल अर्पित करना। ये कारगर उपाय एक माना गया है जिससे पितरों को भी शांति होती है। जिसको भी शनि का बुरा प्रभाव है या तो जिसको राहु या केतु का बुरा प्रभाव उनकी कुंडलियों में बनता है या तो फिर जिनका भाग्योदनी होता है, जिनके कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन सभी के लिए ये एक अचूक और कारगर उपाय है। हर रोज सुबह आप पीपल के पेड़ में आप जल अर्पित करें। जब भी मैंने जो आपको ये उपाय बताया जो तांबे के लोटे वाला, उसको आप करते समय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपको अचूक फायदा होगा और इससे आपका भाग्योदय भी होता है। तो इस तरह से पवित्र जल के उपयोग से आप अपना भाग्योदय कर सकते हैं और महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करके आपके कुंडली के जो बुरे प्रभाव है ग्रहों के उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स अपने सजेशंस भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।